Assalamu alaikum dear students, Vakas Awan is here from the platform of Unique Ravians and today we are going to discuss first year biology lecture number 3 and it is about levels of organization. कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या लेवल्स हैं, हमने बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है. तो सबसे बेसिक जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटे एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. वी नो दैट तमाम लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. एंड अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड सो मेनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि आप पढ़ चुके हैं. इस एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बाद आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल की. बेटे जो एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं दे डू नॉट लाई इन देयर आइसोलेटेड फॉर्म. वो अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में यानी अलहदा अलहदा नहीं रहते. दे यूजली कंबाइन थ्रू आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड टू मेक अ स्टेबल फॉर्म. वो या तो आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए आपस में मिल जाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए आपस में मिल जाते हैं और एक स्टेबल फॉर्म बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इस अकेली फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में वेरी वेरी अनस्टेबल है. लेकिन जब ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एक और हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलता है तो बेटा ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि एक स्टेबल फॉर्म है. सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, वो भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो एलिमेंट्स डू नॉट लाई इन देयर आइसोलेटेड फॉर्म, अकेले अकेले नहीं रहते. दे कंबाइन थ्रू आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम, सोडियम आयन है बेटे, Na पॉजिटिव. ये मिल जाता है क्लोराइड आयन के साथ और ये क्या बना देता है, NaCl. देखें NaCl इज अ स्टेबल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, लेकिन अकेला सोडियम आयन या अकेला क्लोराइड आयन ये अनस्टेबल होते हैं. तो इनको अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्डिंग करना पड़ती है. यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड के जरिए मिल गए और यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिल गए. तो हमने बात की कि एलिमेंट्स डू नॉट लाई इन देयर आइसोलेटेड फॉर्म, दे कंबाइन by ionic bonding or covalent bonding and then they make a stable form. This stable form they are called molecules. According to their size, molecules are of two types, micromolecules and macromolecules. Micromolecules ki bete agar hum baat kare to micromolecules having low molecular weight, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही छोटा है, यानी जिनका वेट कम है. माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट्स, जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स ज़्यादा होते हैं. मैक्रो का मतलब बड़ा, ज़्यादा. हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं, और प्रोटीन्स. स्टार्च एंड प्रोटीन्स दे आर एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स की और दो किस्म की काइंड्स होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पेपर में आपसे पूछा जा सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. तो इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने जहन में रखना है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम हर उस मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हो. मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास बेटे एक मॉलिक्यूल है C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यू नो वेरी वेल इट इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यू कैन सी दैट हेयर बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल. लेकिन बेटे अगर मैं बात करूँ वाटर के मॉलिक्यूल की, तो वाटर का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है. तो कंडीशन क्या है, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इकट्ठे होना ज़रूरी है, देन हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे. तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरोल्स, फैटी एसिड्स, AMP, ADP, ATP,
इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन दैम. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विच डोंट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन दैम, डोंट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, इनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते. They don't have carbon and hydrogen together in them. For example, water को देखें, hydrogen तो है लेकिन carbon मौजूद नहीं है, तो फिर ये inorganic है. इसी तरह CO2 को देखें, carbon dioxide का molecule, carbon तो मौजूद है लेकिन साथ में hydrogen मौजूद नहीं है. Oxygen, यहाँ पर ना तो carbon है ना ही hydrogen है, तो ये these are all inorganic molecules. Then बेटे हम बात करेंगे next level of organization की, कि organelles and cell क्या होता है. Different and enormous number of micro and macro molecules, बहुत सारे micro और macro molecules आपस में मिलते हैं, combine होते हैं, combine to make cells and their organelles. कि जब भी micro और macro molecules आपस में combine कर जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे? पहले बेटे organelles बनाएंगे और फिर उन organelles से मिलके क्या बन जाएगा? Cell बन जाएगा. देखिए अगर हम एक unicellular organisms की बात करें तो उनमें bacteria, पूरा का पूरा organism एक ही cell पर मुश्तमिल होता है. लाइक दिस वन इज़ अ बैक्टीरियम, यू कैन सी दैट दिस वन इज़ बैक्टीरियम, द होल ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज्ड ऑफ ओनली वन सेल. बेटा मैंने डबल लेयर्ड में इसलिए शो किया है, बैक्टीरियम में बाहर सेल वॉल होती है, देन अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर इसका सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है जिसे क्रोमेटिन बॉडी कहा जाता है. तो बैक्टीरियम इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में आपने पढ़ा होगा अमेबा के बारे में, ठीक है? अमेबा के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो ये भी यूनिसेलुलर है. तो बैक्टीरियम एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हम ह्यूमन बींग, वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. अब ऑर्गेनेली क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं बेटा. ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस, दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच मेक अ सेल. यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मिलकर एक सेल बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटे ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? भाई देखें, एक तो यहां पर इसका न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रियन, सो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी प्रेजेंट इन ए सेल. यहाँ पर राइबोसोम्स हो सकते हैं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गॉल्जी अपरेटस हो सकता है, ठीक है? सो मैनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विद इन द सेल. वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपस में जब मिलते हैं तो बेटे क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है. तो हम ऑर्गेनेली को डिफाइन कर रहे थे कि दे आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच मेक ए सेल, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस. ऑर्गेनेलिस के एग्जाम्पल में हमने देखा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल, दीज आर ऑल सब सेलुलर पार्टिकल्स, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच मेक अ सेल. सो अगर हम बात करें कि एक सेल का फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल. यानी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्लस न्यूक्लियस का फंक्शन प्लस गॉल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन प्लस राइबोसोम्स का फंक्शन, इन सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को अगर हम सम अप कर देते हैं तो बेटे वो पूरे एक सेल का फंक्शन बन जाएगा. सो वी कैन से दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल्स. सेल्स के अंदर ही डिवीजन ऑफ लेबर है. जैसे एक फैक्ट्री है, एक यूनिट है, उसके अंदर बेटा डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टेक्सटाइल की अगर फैक्ट्री है तो एक जगह पे धागा बन रहा है, एक जगह पे स्टिचिंग हो रही है, एक जगह पे डाइंग हो रही है, एक जगह पे पैकिंग हो रही है. तो
तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे यूनिट्स मिलकर एक पूरी फैक्ट्री बना देते हैं। इसी तरह हमारे सेल के अंदर ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, हर एक का अपना अपना काम है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, गॉल्जी अपैरेटस सेक्रीशंस बनाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। तो सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, जब तमाम के फंक्शंस को एडअप कर दिया जाता है तो वो सेल का एक फंक्शन बन जाता है। सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सेल के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर होती है इन ऑर्गेनेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन टाइप्स ऑफ द सेल्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल्स, प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक का वर्ड निकला है कैरियोन से, कैरियोन मीन न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डोंट हैव न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड प्रोक्रियोटिक सेल्स। सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन देम, दे आर कॉल्ड प्रोक्रियोटिक सेल्स। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। सर, व्हाट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, दीज आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। सो दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर प्रोक्रियोट्स। व्हाट आर यूक्रियोट्स? दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें एक बड़ा वाजिया डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंड सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट क्या है इनमें बेटा, दे हैव मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इनमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें गॉल्जी अपरेटस है, लाइजोसोम है, पेरोक्सिसोम है, मीजोसोम है, ग्लायोक्सिसोम है। सो मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूक्रियोटिक सेल्स, बट नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द प्रोक्रियोटिक सेल्स। देन हमने इसकी एग्जाम्पल देखी बैक्टीरिया और यूक्रियोटिक सेल्स में, तमाम प्लांट सेल्स, तमाम एनिमल सेल्स और फंजाई के सेल्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूक्रियोटिक सेल्स। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेटे अगर हम बात करें, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किसी भी सेल के बाहर पाए जाने वाली जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये तमाम के तमाम सेल्स में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट का सेल है, चाहे वो एनिमल का सेल है, चाहे वो प्रोटिस्ट हो, बैक्टीरियम हो, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजमी पाई जाती है। टिश्यू लेवल, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही जैसे सेल्स, मेक लूज शीट्स और बंडल्स। वो आपस में जब मिलते हैं तो लूज शीट्स और बंडल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बेटे एक लूज शीट है जिसमें एक ही तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ टिश्यू। एक सेल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मेक लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। इन तमाम सेल्स का बेटे एक ही फंक्शन है, That is called a tissue. अब tissues की examples, animals में muscle tissues होते हैं जिनका काम है contraction करना, muscles contract करते हैं जिनसे movement होती है। And glandular tissues होते हैं animals में जिनका काम होता है different kind की secretions बनाना। और xylem tissues ये plants में होते हैं, they are responsible for the transport of water। And phloem tissues, they are also in the plants and they are responsible for the transport of the food within the plant body। So ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से लेकर टिश्यू लेवल तक डिस्कस किया। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।